सो देखा वीडियो मिल्खा सिंह जी की आखिरी रेस पाकिस्तान में और उस समय के एशियन विनर को उन्होंने हरा दिया और अब 90 प्लस की एज में है मिल्खा सिंह जी अभी चंडीगढ़ में रहते हैं पर हर रोज सुबह 2 घंटे के लिए सुखना लेक में जॉब करने जाते हैं आप किसी भी दिन सुखना लेक चले जाओ चंडीगढ़ में वहां पे आपको मिल्खा सिंह जी जॉगिंग करते मिल जाएंगे इवन इन द एज ऑफ 90 इयर्स तो इस वीडियो से आपने क्या देखा पर उससे पहले एक बार मिल्खा सिंह जी के लिए ताली बजाएं सो क्या सीखा इस वीडियो से हां जी एब्सोल्युटली जीतने की जिद वाओ और लक्ष्य को नाप लो देख लो बहुत बढ़िया और वो करो या मरो करो और करो यहाँ पे किसने दबी सी आवाज में भी कुछ बोला थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो बुलंद थोड़ा सा और बुलंद द लॉ नंबर 11 इज द लॉ ऑफ पैशन जुनून जब उनको बोला कि मिल्खा सिंह जी आपकी जिंदगी की आखिरी रेस है वो बोलते मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना मोदी केयर की ये आपके पास पारस का पत्थर आपके पास आ चुका है अब इस अपॉर्चुनिटी को जैसे मिल्खा सिंह जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी रेस दौड़ी वैसे समझ के इस अपॉर्चुनिटी को जो है काम करो लाइक देयर इज नो टुमारो कल नहीं आने वाला ये अपॉर्चुनिटी है पैशन के साथ जोश के साथ जुनून के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर लग जाओ बिना जोश और जुनून के लीडर लीडर बन ही नहीं सकता लीडरशिप की मेरे हिसाब से जो सबसे पहली निशानी होगी वो है उसका पैशन वो है उसका जोश वो है उसका जुनून आज ट्रेनिंग टीम्स पिंकी जी सौरभ जी यहां पर हैं इनकी यहां पर होने की जरूरत नहीं थी ये आराम से आज घर में बैठ सकते सौरभ जी कल मेरे साथ जयपुर में है संडे को कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो वीकेंड पे पता नहीं कहां कहां में जाके मीटिंग्स करते हैं ट्रेवल करते हैं घर बार छोड़ रखा है क्योंकि जुनून है पैशन है और आप में बहुत सारे लोगों में वो जुनून और वो पैशन है जुनून पैशन के कारण ही आप भुवन जो है सुबह 6 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहा था जुनून पैशन के कारण ही